हेलो गाइस, अभी फिर से हमें हमारे एक और सब्सक्राइबर हमको मिल चुके हैं यहाँ पर, और आज हम खेतों में घूम रहे हैं तो वहाँ से वो वीडियोस हम ले रहे हैं और आपको जंगल की बकरियाँ दिखा रहे हैं। तो करते हैं बात हमारे सब्सक्राइबर से। बहुत अच्छी और अच्छी इससे भी अच्छी नस्ल की ये बकरियाँ हैं। ये बकरियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। थोड़ा सा अभी क्या है कि बारिश का टाइम है तो मेरा इतने दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो आप उसको माइंड ना करें क्योंकि घूमना भी पड़ता है, किसानों से भी बात करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी ज़रूरी होती है। उमस का टाइम है भैया, बोला भी नहीं जाता है, फिर भी वीडियोस जो हैं आपके लिए वो मैं लेके आ रहा हूँ। और घूम रहा हूँ मार्केट के अंदर, घूम रहा हूँ गाँव और शहर शहर गलियाँ चौबारों से पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, और ये वीडियोज़ जो मैं ले रहा हूँ। तो अभी हम आपको बात करवाएंगे और मिलवाएंगे पोकर जी से, जो कि निमेड़ा गांव से हैं, और इनका एक वीडियो आया हुआ है, लेकिन जब हमने इनका वीडियो लिया था तब ये यहाँ पर नहीं थे, ये बाहर गए हुए थे, तो इनसे बात नहीं हो पाई। और अभी ये हमें यही मिल गए हैं खेत के अंदर, तो इन्होंने बोला कि एक बार फिर से जो है बकरियाँ दिखाओ, उस दिन में था नहीं तो वो बकरियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर, अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, घंटे का बटन दबा के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करेंगे तो मेरे नए नए वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लंबे कद की गुलाबी के अंदर बकरियां मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आइए और देखते हैं हम सब बकरियों राजस्थान के। और माय गॉड गाइस, राजस्थान के खेतों में चरती हुई बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बकरियाँ दिखाएँगे। थोड़ी अच्छी बकरियाँ होती है तो क्या है कि मूड भी अच्छा रहता है वीडियो बनाने का। भैया लंबे कद की और हाइटेड बकरियां मैं आपको दिखाऊंगा। सारी बकरियां चर के बैठी हैं अभी, और उमस का टाइम है तो थोड़ा चराई भी कम कर रही है बकरियां। और गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वीडियोस के अंदर ये बकरियां जो आपको दिखती है, और जो गोट प्रेमी हैं, एनिमल लवर हैं, जो बकरियों से प्यार करता है, जिनका शौक है, शौकीन आदमी कभी भी जो है ऐसे नहीं रह सकता बिना बकरियों के, तो वैसे ही हम लोग हैं और आप भी हैं जो कहीं ना कहीं इस इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। और गाइस सबसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर करते रहे मेरे वीडियो को। बकरियाँ लाजवाब है। पोकर जी क्या दिखाने वाले हैं, बढ़िया बकरी बता दीजिए आप। तो ये गुलाबी के अंदर निकालिए, और लंबे हाइटेड बकरियां और लंबी गर्दन वाली बकरियां बताइए। एक एक बकरी दिखाइए अच्छे से। ये बकरी, ये इसके मतलब ब्लैक क्या है, स्पॉटेड क्या है, ये कलर क्या हुआ है? नहीं, ये कोई पीड़। अच्छा, दाग हो रखे। कैसे दवाई लगाई हुई इनके? ये ब्लैक नहीं है, वाइट के अंदर है बकरी। ये कितने दांत होगी? ये 5 दांत, 6 दांत पूरा हो गए। 6 दांत पूरा हो गई। ये कितनी बार ब्याई हुई है? ये 5। 5 बार ये बकरी जो है ब्याई हुई, तो मतलब कितने साल की होती है 5-4 बकरी ब्याने पे? बकरी 20 साल रह जाती है। अच्छा, 20 साल की बकरी होती है तब तक बच्चे डालती है, उनकी केयर भी वैसे करनी पड़ती है। केयर करनी पड़ती है। अपने पास कितनी बकरियां हैं? 35 बकरी है गाइस। और एक लंबी बकरी लीजिए ना, जो मतलब हाइटेड हो, जैसे ये वाली है लंबी गर्दन वाली, ये बकरी खड़ी है ना, इसको थोड़ा साइड में लाइए, इसको पूरा दिखाते हैं गाइस। देखिएगा बकरी को, इसको थोड़ा सा साइड में लेके आ जाइए आप गाइस। ये बकरी देखिए आप, हाँ ये दिखा दीजिए, ये भी फुल है। इसकी गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा कीजिए पकड़ के। अच्छा, बोलने से ही कर देगी क्या? अरे यार गजब। एक मिनट गाइस, बकरी को आप देखिएगा, ये ब्लैक स्पॉट जो है अपने सोजत के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, आता है। ये देखो ये वाली बकरी भाई साहब, ये बकरी, अब ये बच्चे जो देती है, इनके बच्चे मैंने ऑलरेडी दिखा दिए हैं गाइस, फिर भी मैं आपको वो वीडियो एंडिंग में लगाऊंगा अपने इस वीडियो के अंदर, तो आप इन बकरियों के बच्चों को भी देख लीजिए। गुलाबी के अंदर है, फुल हाइटेड है, और बकरियों को आप देखिएगा। वैसे पोकर जी की भी हाइट लंबी है और बकरियां भी हाइटेड है, तो आप देख लीजिए, अगर एक छोटा मतलब थोड़ा सा शॉर्ट हाइट अगर पीछे खड़ा होगा तो वो बकरी बड़ी लगेगी उससे,
इंसान, क्योंकि हम लोग तो हाइटेड हैं तो फिर क्या है कि बकरी का आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी लंबी बकरी है। वैसे मैं नीचे बैठ के आपको ये पूरा वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और एक पुरानी बकरी लीजिए ना, जो थोड़ी मतलब बूढ़ी हो, ऐसे कोई टाइप की है अपने पास कोई ऐसी? एक वो गुलाबी बकरी जो उसको देखते हैं, वो वाली बकरी। नहीं नहीं नहीं, बकरी दिखाइए, बूढ़ी हो दिखाइए। ये हैदराबादी क्रॉस से है, वाइट आँख के अंदर ये बकरी है, ये हैदराबादी क्रॉस के अंदर से है। गए अपने पास हैदराबादी ब्रीडर है? अच्छा, इसके कान कितने होंगे? 15 इंच, तकरीबन 15 इंच के ये कान होंगे गाइस। और कितने बच्चे डाले इसने? दो। बिक गए हैं अभी? हैं अपने अभी बच्चे हैं? इनके दो बच्चे हैं। तो उन बच्चों का वीडियो जो है मैं इनके घर पे जाके गाइस लेके आऊँगा, तो वो भी मैं एंड में लगाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कितने बच्चे हैं अभी अपने पास? 15 बच्चे हैं। बेच दिए? तो पहले अपना पूरा नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम पोकर राम गुजर। और अपना गांव कहाँ है? निम्बेड़ा कल्ला। तो अपने कितनी बकरियां हैं अपने पास? अपने पास 35-40 बकरियां हैं। सारी सोजत की? सारी सोजत। और अभी जो ब्रीडर आप काम में ले रहे हैं, वो ब्रीडर कौन सा है? वो हैदराबादी। हैदराबादी क्या? हैदराबादी क्रॉस। तो मतलब कि कितने टाइम से हैदराबादी काम? वो मेरे 3 साल से है। 3 साल से वो बच्चा है आपके पास? 3 साल से। अच्छा, तो ब्रीड में हैदराबादी में लोग बोलते हैं कि बकरियां हेल्थ में नहीं जाती है, लेकिन मैं यहाँ बकरियां देख रहा हूँ, ये तो आपके पास तो सभी लंबी हाइटेड है। वो फिर इसको खुराक खिलानी पड़ती है। अच्छा, तो हाइट में हो जाएगी। अभी बच्चे कितने हैं अपने पास? बच्चे मेरे पास 15 बच्चे हैं। अब बाकी बच्चे बेच दिए। तो ज्यादा थे बच्चे? 25 बच्चे थे, 10 बच्चे बेच दिए गए। क्या रेट में दिए हैं आपने? ये 20,000। 20,000 के रेट में? गाइस क्वालिटी के बच्चे थे, और वो वीडियो में लगा दूंगा एंड में, तो आप देख लीजिएगा। तो बकुर जी मेरे को ये बताइए कि मतलब ये इतनी सारी बकरियों का आप मेंटेन करते हैं, तो इनको खिलाने पिलाने का क्या सिस्टम? इनको बस वो लूंग पापड़ी खिलाते हैं। अच्छा, घर पे तो चलती नहीं है आपकी बकरियां? घर पे चरा लेते हैं, कभी कभी बाहर भी ले जाते हैं। अच्छा, तो लूंग वगैरह कुछ स्टॉक भी तो रखते होंगे? हाँ, लूंग है, गवारी कुट्टी है, स्टॉक रखनी पड़ती है। टोटल आपने कितनी 40 बकरियां बताई? 35-40 बकरियां। अभी गिनी नहीं है? हाँ, गिनी नहीं, अंदाजा। तो इसमें प्योर क्वालिटी के अंदर अपने पास टोटल कितनी बकरियां हैं, जिस मतलब हाइब्रिड बकरियां जो बोलते हैं? 25 बकरियां। 25 बकरी है अपने पास, वो उस क्वालिटी की है? हाँ, वो सब। तो ऐसी क्वालिटी बनाने में आपको कितने साल लगे? काफी साल लगे 10 साल। अब लोग बोलते हैं कि बकरियां बहुत महंगी बता रहे हो आप, तो मेरे को ये बताओ ना कि हाई ट्रेड बकरी हमने जैसे देखी है, तो ये क्या रेट में? ये ज्यादा रेट है, वो 50,000-40,000 है, 60,000 है, 70,000 है। वो भी बकरियां हैं कि 10,000-15,000-20,000 की बकरी भी तो है आपके पास? हाँ, वो भी है, रहती है, चलती रहती है। तो मतलब क्वालिटी कलर में आएगी? रेट आपका कलर नॉन कलर की? हाँ, अबलक। लोग मुझे पूछते हैं कि 20,000 की 25,000 में हमें यहाँ मिल जाती है, तो वो बकरियाँ फिर वो ऐसी थोड़ी होती होगी? नहीं, वो अबलक आएगी। और कुछ मिल जाए थोड़ी तो वो उसमें फर्क भी होता है, गायों को मिलती भी है। अच्छा, तो अगर मतलब कि काफ़ी सारे लोगों ने आपको कॉल किया मेरे वीडियो के बाद, आए फोन? आए। और कुछ कस्टमर्स आए आपके पास? आए, खूब फोन आते हैं। अभी तो गाइस पोकर जी का मैं नंबर जरूर डाल दूंगा इसमें। और मेरे वीडियो के थ्रू आप कुछ कहना चाहते हो जितने भी लोग नए फार्मर हैं, नया फार्म डालने, आजकल क्या है कि फार्म लोग ज्यादा डाल रहे हैं, तो वैसी बकरियां वो जो ढूंढ रहे हैं, तो कितनी बकरियों से उनको स्टार्ट करना चाहिए? 10-15 बकरी से स्टार्टिंग करो, क्योंकि ज्यादा थोड़ी बकरियां ज्यादा लेंगे तो क्या है, खर्चा बहुत, प्रॉफिट भी निकल जाएगा, प्रॉफिटेबल, खर्चा बहुत आता है। तो बड़ी बकरियों से शुरू करें या बच्चों से? बच्चे से सही होता है, क्योंकि वो क्वालिटी की बकरियां मिल जाएंगी। क्वालिटी बकरियां मिल जाए, फिर बाद में इन क्वालिटी क्वालिटी कन्वर्ट करो वो उसको। हाँ। तो आपको खुद ऐसे है कि भाई अच्छे से अच्छा ब्रीडर लो, हो जाए। तो एक मेरे को ये बता दो कि लोगों ने अभी सोजत का ब्रीडर हटाना शुरू कर दिया है, तो ये अच्छा है या नहीं है, थोड़ा सा मेरे को बताओ, कि लोग बोल रहे हैं कि प्योरिटी खत्म हो जाएगी नस्ल की। नहीं, ये हटेगा नहीं, ये तो चलेगा धीरे धीरे, वो हैदराबादी क्रॉस हो गया, ये थोड़ा बहुत थोड़ा है कि भी सोजत नहीं मिलेगा, लेकिन काफी लोग अभी ये कर रहे हैं कि लंबे कानों की बकरियों को वापस से सोजत से क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो हो जाएगा। वापस क्या है कि सोजत में लंबे कान भी हो जाएंगे और बकरियां भी बढ़िया आ जाएंगी, बढ़िया आ जाएगी, क्रॉस हो जाएंगे। तो ये सोच कैसी लगती है आपको? ये अच्छी है, ये ठीक है ना? ये ठीक हो गए। तो दिखाते हैं हम और भी बकरियां, पोकर जी का नंबर जो है मैं डाल दूंगा। गाइस गुलाबी के अंदर ये सारी बकरियां हैं, आप देख लीजिए इतनी गुलाबी क्वालिटी के अंदर ये बकरियां, सोजत की बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूं। और इनके बाड़े की बकरियां जो हैं सच में गुलाबी हैं, ऐसा नहीं है कि गुलाबी मैं बोल रहा हूं, अगर आप आके बकरियों को देखेंगे तभी आपको जो है
समझ में आएगा। और छोटे छोटे वीडियोस में लेता रहता हूँ। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक और शेयर करें ज़रूर, और अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। देखो कितनी गुलाबी पाठ है ये, लंबे कद की बड़ी बकरियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जिन जो भी जेन्युइन पर्सन हैं, अगर आपको बता देता हूँ कि अगर क्वालिटी की बकरियाँ रखोगे तो बच्चे भी क्वालिटी के होंगे और किसान को फ़ायदा ही होगा। अगर जो नया बकरी पालक है उसको ऐसी ही बकरियों से स्टार्टिंग करनी चाहिए। बजट कम है तो 5 बकरी से भी शुरू करें, लेकिन क्वालिटी की बकरियाँ रख के शुरू करें और ऐसी बकरियाँ जो हैं वो लेके जाए। गुलाबी नस्ल का ये शौक है और ये शौक बहुत ज़बरदस्त शौक है। ये बकरियाँ फुल हाइटेड होगी, इतनी हाइट है गाइस। ये बकरियाँ आपको वीडियो में देखने से शायद पता चले या ना चले, लेकिन एक बार आप ज़रूर विजिट ज़रूर करें इन फार्मर के पास।